नैया भैया खाने के बाद मक्खन रोटी खाने के बाद पीतांबर से मुंह को पोंछते हुए भगवान श्याम सुंदर बाहर निकले हैं। ग्वाल वालों को आवाज लगाई है, दामा भैया मनसुख छदामी बलराम भैया शंकीर सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया। दामा ने पूछा, श्याम आज क्यों बुलाया है? अरे आज कहाँ चोरी करने के लिए जाना है? श्याम सुंदर बोले, दामा भैया सुनो, और भागवत कथा में दान आ रहा है 50 किलो आटा।